अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू वाले चावल की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। पर रेसिपी पे जाने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी आज की रेसिपी को जो है वो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, हाफ कप जो है मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया था, और एक मैंने प्याज ले ली थी, उसे मैंने स्लाइस काट ली थी, वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल दी है जी। आप देखें मैं इसको जो है पका रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल किया है ज़ीरा हाफ टी स्पून, साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है काली मिर्च 7 से 8 दाने, और यहाँ पे जो है मैं इसमें शामिल करूँगी लौंग 5 से 6 अदद। अब हमने प्याज को इतना पकाना है कि प्याज जो है हमारे पास यहाँ पे गोल्डन हो जाए जी। आप देखें यहाँ पे प्याज हमारे पास जो है वो पक गई है, यहाँ पे प्याज गोल्डन हो चुकी है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है जी। यहाँ पे देखें आप, मैंने इसे 2 मिनट पकाया है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1/2 कप पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से हमने उसको मिक्स कर लिया है। एक टमाटर मैंने यहाँ पे ले लिया था, उसे बारीक चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी। अब मैंने जो है यहाँ पर नमक शामिल किया है इसमें 2 टेस्ट, यहाँ पर नमक शामिल कर लेंगे हम। साथ ही लाल मिर्च पाउडर मैंने शामिल किया है 2 टेस्ट। हल्दी मैंने जो है वो 1/4 टीस्पून यहाँ पर शामिल किया है इसके अंदर, और गरम मसाला जो है वो भी 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से तमाम मसालों को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। आलू मैंने पहले से जो है वो काट के रखे हुए थे क्यूब कटिंग में, वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जी। यहाँ पे आप देखें जो है मैंने अब इसके अंदर दही शामिल किया है, तकरीबन 1/2 बाउल जो है मैंने दही इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब अच्छी तरीके से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसे जो है यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पे देखें हाँ, मैंने इसे भुना है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर जायफल जावित्री पाउडर शामिल किया है, उससे जो है आपके आलू के चावलों की वजह से खुशबू आती है। यहाँ पे देखें आलूओं को मैंने भून लिया था। अब मैंने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि हमारे चावल जो है वो इसके अंदर पक जाएं। चावल मैंने पहले से ही जो है वो भिगो के रखे हुए थे। यहाँ पर हमने जो है जितने चावल लिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने पानी डाल दिया था और उसे उबाल लिया था। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है मैंने चावल जो पहले से भिगो के रखे थे वो डाल दिए थे, और अब मैं इसे पका रही हूँ। हमने इसे इतना पकाना है कि पानी ड्राई हो जाए और हमारे पास जो है वो चावल फिर हम दम दे सके जी। यहाँ पे मैं इसे अच्छे तरीके से पका रही हूँ। आप देखें कितने अच्छे से जो है वो चावल जो है उसका कलर आ रहा है जी। यहाँ पे हम इसे इतना पकाएंगे कि वहाँ पर पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखें तकरीबन हमारे पास जो है वो यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरी मिर्च शामिल की हैं 2 से 3 अदद, और गरम मसाला जो है मैंने ऊपर से डाल दिया है इसके ऊपर, और अब इसे दम दे दिया है। आप इसे जो है वो 5 से 10 मिनट तक दम दे सकते हैं हल्की आग पे जी। मज़ेदार से जो है वो आलू वाले चावल हमारे पास रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना मज़ेदार से जो है ये लग रहे हैं, और कितना अच्छा जो है वो चावल का टेक्स्चर हो गया है। अब आप इसे सर्व करें। मेरी आज की रेसिपी जो है आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी आज की रेसिपी जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, और मेरी आज की रेसिपी को जो है वो लाइक करना भी मत भूलिएगा। आप इसे लाइक करें और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आप तक शो हो सके। मेरी आज की रेसिपी देखने के लिए शुक्रिया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।